want to be placed in one of your dream companies like TCS, or in search of some preparation strategy videos related to cracking TCS exams, then you are at the right platform. Hello friends, welcome to CubeGeeks Pro. Our team CubeGeeks Pro has come up with the preparation strategy video series to crack TCS. ये वीडियो बीटेक, बीई, बीएससी, बीसीए, एमसीए एंड एमटेक ग्रेजुएट्स के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा फॉर द टीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन। दिस वीडियो इज द पार्ट वन ऑफ द सीरीज। पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉग्निटिव राउंड, जिसमें कि तीन सेक्शंस होते हैं, दैट इज लॉजिकल, वर्बल एंड एप्टीट्यूड। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू फ्रेंड्स, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियसली आस्क्ड टीसीएस के कुछ क्वेश्चंस related to the cognitive round and preferable questions that can be asked in further TCS exams bhi mil jayenge. So you can go through those questions and prepare well. Lastly, agar aapko daily job and internship updates paana hai, then you can join us in our Telegram and WhatsApp group. Links aapko description mein mil jayega. Now, let's proceed with the video. TCS round 1 cognitive skills and coding skills ke upar based hota hai. Is video mein hum discuss karenge about the cognitive round. Hamare jo next videos rahenge usse mein bhi hum discuss karenge about the coding round. So basically hamara jo cognitive round hota hai usme teen sections hote hai, that includes verbal ability, logical reasoning and aptitude. Next abhi discuss karte hai about the verbal ability section. वर्बल एबिलिटी सेक्शन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ जंबल सेंटेंसेस और इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड द एरर इन सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जो जंबल सेंटेंसेस रहता है उसी में क्या रहता है, लाइक आपको 1, 2, 3, 4 सब पॉइंट्स दिए रहेंगे एंड इच सब पॉइंट में आपका कुछ सेंटेंसेस रहेंगे। तो योर टास्क इज टू अरेंज दो सेंटेंसेस and make a meaningful sequence of sentences which would have some sense or make some sense. Then आपका आता है reading comprehension, उसी में आपको एक passage दिया जाता है जिसको आपको study करके read करके उसके जो नीचे कुछ सब questions रहते होंगे उसी को answer करना है। हमारा जो कभी कभी क्या रहता है, जो reading comprehension में ही आपका synonym and antonym questions भी पूछा जाता है। बेसिकली हमारा जो सिनोनिम्स रहता है, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विच हैव द सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड, एंड जो एंटोनिम रहता है, अदर वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट, दे मीन द ऑपोजिट टू द गिवन वर्ड। तो हमारा सिनोनिम एंड एंटोनिम का भी जो पार्ट रहता है वो कभी कभी रीडिंग कंप्रेंशन में भी पूछा जाता है। तो बात करते हैं अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स, दैट आर द क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड। इन द फिल इन द ब्लैंक्स आपको कोई फ्रेज या एक कुछ वर्ड से फिल करने होते हैं ब्लैंक्स में, जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं एंड इट शुड मेक सम मीनिंगफुल सेंस। तो बात करते हैं अबाउट द फाइंडिंग द एरर इन सेंटेंसेस। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेनली क्या रहता है कि आपको जो सेंटेंस में एरर दिया रहेगा, कुछ एक समथिंग एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा या स्पेलिंग मिस्टेक और समथिंग रिगार्डिंग द सेंटेंस विल बी देयर, जिसको कि आपको फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट आता है आपका स्पेलिंग। स्पेलिंग में क्या रहता है कि आपको किसी सेंटेंस के कोई वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक होगा, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट, कि कौन सा सेंटेंस के कौन से वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तब बात करते हैं अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एज मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बताया कि वॉट इज अ सिनोनिम एंड एंटोनिम, उसी तरह सिनोनिम एंड एंटोनिम के क्वेश्चन भी आपको इंडिविजुअली मिल जाएंगे। So that's all about how the types of questions are asked in your verbal ability. तो अब बात करते हैं the chapters you need to prepare for your verbal ability section. So let's start. In verbal ability आपको mainly synonyms and antonyms, subject verb agreement, prepositions, tenses, noun, articles and reading comprehensions study करने हैं, you should prepare them. हमारा जो reading comprehension रहता है उसी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप सॉल्व करने के लिए टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स होते हैं विच यू शुड फॉलो टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस इजीली विदाउट रीडिंग द होल पैसेज, एंड यू कैन सेव टाइम टू, जो कि आपको बाद में कोई आपका जो भी सेक्शन आपको प्रॉब्लम होता है या कोई क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ यू नीड मोर टाइम, देन यू कैन डेफिनेटली एडजस्ट योर टाइम अकॉर्डिंगली।
टू दैट. तो आप आपका जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोस. तो अबाउट अभी बात करते हैं अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, नाउंस एंड आर्टिकल्स एट द प्रेजेंट. ये जो सारे हैं ये चैप्टर से ही आपका आपके वोकैबुलरी एंड ग्रामर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. एंड डेफिनेटली अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आपने खुद से प्रैक्टिस किए हो देन इजीली वर्बल एबिलिटी सेक्शन यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड विथ 100% एक्यूरेसी. तो अब बात करते हैं अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन दैट इज प्रेजेंट इन आवर TCS एग्जाम. तो इन TCS एग्जाम लॉजिकल रीजनिंग में आपको पूछा जाता है क्वेश्चंस ऑन सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डिरेक्शनल सेंस, ब्लड रिलेशंस. देन आपके क्वेश्चंस होते हैं ऑन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजंस, नंबर सीरीज, एनालॉगी एंड पिक्चर पैटर्न. फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं एंड जो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं एंड एपी के क्वेश्चंस हैं यू विल गेट दोज इन द PDF फॉर्मेट इन द डिस्क्रिप्शन. काइंडली गो थ्रू दोज एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर TCS एग्जाम. तो अब बात करते हैं अबाउट द एप्टीट्यूड सेक्शन दैट इज देयर इन द कॉग्निटिव राउंड. हमारे जो एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट आर बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क चैप्टर, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, परसेंटेजेस, देन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. देन आपका आता है APGP, लॉगरिथम्स, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, लीनियर इक्वेशंस, LCM, HCF, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. देन आता है आपका सर्स एंड इंडिसेस, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, एवरेज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. तो फ्रेंड्स ये जो सारे चैप्टर्स हैं आपका एप्टी हो, लॉजिकल हो, वर्बल हो, यू शुड नेवर नेगलेक्ट एनी चैप्टर. इस चैप्टर के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे वो कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का उतने ही अच्छे से क्लियर होने वाला है एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इजीली. जो क्वेश्चन अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है अगर आप उसी चैप्टर के क्वेश्चंस और करोगे और करते जाओगे देन डेफिनेटली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो आपको डिफिकल्ट ही नहीं लगेगा. यू विल फील इट ईजी टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस with 100% accuracy. So these exams are not difficult at all. This is the round one which is easy if you practice. That's the whole thing. As said before, practice makes a man perfect. तो अगर आपको practice करना है aptitude, logical reasoning and verbal ability, आपको उसके TCS के previous year questions and most probable questions that can be asked again in TCS. उसके क्वेश्चंस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, PDF लिंक आपको मिलेगा, यू कैन गो थ्रू दैट लिंक एंड एसेस ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर. सो विद दिस वी एंड आवर वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे वीडियो में यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस इन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप. द नंबर्स ऑफ दोज एडमिन्स आर देयर और यू कैन कमेंट अस इन आवर कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू. दिस वीडियो इज टू बी कंटिन्यूड. And this is the part one of the how to crack TCS exam strategy series or the preparation series. तो ये video आपके लिए sure helpful होगी and आगे videos बनाए जाएंगे on those questions that are asked and how you should solve them and that's all. And lastly I would like to say कि ये videos आपके लिए बहुत helpful होने वाले